वन्दे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। भक्तों, माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में माँ शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिता इन माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है माँ शैलपुत्री। दृढ़ता का प्रतीक है और सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करती है। सफलता के लिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए माँ शैलपुत्री का पूजन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की पावन कथा। बोलिए माता रानी की जय। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियाँ बहुत गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी पुत्री को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। जब तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया, तब देवी आदि शक्ति प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम किस कारण तप कर रहे हो। दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती ने दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। सती जी दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। देवी सती ने बाल्यावस्था में ही कई अलौकिक कार्य किए, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी आश्चर्य होता था। जब देवी सती विवाह योग्य हुई, तब दक्ष को उनके विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मदेव से इस विषय में परामर्श किया। श्री ब्रह्मदेव जी ने कहा, देवी सती तो आदि शक्ति का अवतार है। देवी आद्या आदि शक्ति और भगवान शिव आदि पुरुष हैं। अतः देवी सती के विवाह के लिए शिव जी ही उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात को मानकर भगवान शिव के साथ देवी सती का विवाह कर दिया। देवी सती कैलाश में जाकर शिव जी के साथ रहने लगी। किंतु कुछ कारणों से दक्ष के मन में भगवान शिव के लिए बैर भाव हो गया। एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को, ऋषियों को, सभी को निमंत्रित किया, केवल भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। पिता के यज्ञ के बारे में जानकर देवी सती वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठी। परंतु महादेव जी ने कहा कि बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ जाना उचित नहीं होगा। किंतु देवी सती की प्रबल इच्छा को देखकर भगवान ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपने गण को भी भेज दिया। देवी सती जब अपने पिता के घर पहुंची, तो वहां किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं की। दक्ष ने भी उनसे अपमानजनक बातें कही। पिता के अपमानजनक शब्द सुनकर देवी सती मौन रहीं। वे उस यज्ञ मंडप में गईं जहां सभी देवी देवता ऋषिगण आदि बैठे हुए थे। वहां उन्होंने सभी देवताओं का भाग देखा, परंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। यह देखकर माता सती को बहुत दुख हुआ। वे अपने पिताजी से इसका कारण पूछती हैं, तो दक्ष ने बड़े गर्व से उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वो तो भूतों के स्वामी हैं, नग्न रहने वाले हैं। वे भला देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य कैसे हैं? उन्हें कौन भाग देगा? ये सुनकर देवी सती का मुख मंडल क्रोध से लाल हो गया। वे पीड़ा से तिलमिलाने लगी और उन्होंने कहा, मैं इन शब्दों को भला कैसे सुन सकती हूँ? मुझे धिक्कार है, देवताओं तुम्हें भी धिक्कार है, जो तुमने भगवान शिव के विरुद्ध ऐसे शब्दों को श्रवण किया जो मंगल के प्रतीक हैं और क्षण भर मात्र में संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने में सामर्थ्य रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं,
नारी के लिए अपने पति की निंदा सुनना घोर पाप होता है और इसके कारण उसे नरक में जाना पड़ता है। हे पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है, अब एक क्षण भी मैं जीवित नहीं रहना चाहती। सती जी अपने कथन को समाप्त करते हुए यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। यज्ञ की आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। ऋषि व देवतागण उठ खड़े हुए। शीघ्रातिशीघ्र ये समाचार भगवान शिव के पास पहुंचा और भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित होकर के उन्होंने अपने गणों को यज्ञ में भेजा। उनके गणों ने वहां पर आकर पूरे यज्ञ मंडप को विध्वंस कर दिया। सभी देवता ऋषिगण आदि वहां से भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते देखते दक्ष का सर काट दिया। भगवान शिव प्रचंड आंधी की भांति स्वयं भी वहां पर पहुंचे और देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव, जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, उनका मन व्याकुल हो उठा। वे अपने आप को भूल गए, बेसुध हो गए और भगवान शिव ने देवी सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव व माता सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, वायु थम गई, जल का प्रवाह तक रुक गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी और सृष्टि के प्राणी पुकार करने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। सृष्टि के समक्ष घोर संकट देखकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु आगे बढ़े। उन्होंने अपने चक्र से देवी सती के अंगों को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर देवी सती के वे कटे हुए अंग गिरे जहां पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई। जब देवी सती के सभी अंग कट कर गिर गए तब भगवान शिव घोर समाधि में चले गए और सृष्टि का संचालन पुनः आरंभ हुआ। भक्तों, देवी सती ने ही अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वो शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती रूप से देवताओं का गर्वभंजन किया था। शैलपुत्री जी का विवाह भी भगवान शंकर के साथ हुआ और पूर्व जन्म की भांति ही इस जन्म में भी वे शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम माँ शैलपुत्री के महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। तो बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। तो चलिए अब करते हैं माँ शैलपुत्री के स्तोत्र का पाठ। प्रथम दुर्गा त्वही भव सागर तारिणी धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। त्रिलोक जननी त्वही परमानंद प्रदीयमान सौभाग्य आरोग्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। चराचरेश्वरी त्वही महामोह विनाशिनी भुक्ति मुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। माँ शैलपुत्री का कवच। ओंकारः मे शिरः पातु मूलाधार निवासिनी ऋंकारः पातु ललाटे वीज रूपा महेश्वरी श्रृंकार पातु बदने लावण्या महेश्वरी हुंकार पातु हृदयम् तारिणी शक्ति स्वघृत फटकार पातु सर्वांगे सर्वसिद्धि फलप्रदा। भक्तों, इसके साथ ही इस दिन माँ शैलपुत्री के बीज मंत्र अर्थात ओम ह्रीम शिवाय नमः, ओम ह्रीम शिवाय नमः का कम से कम 108 बार जप जरूर करें। तो भक्तों, ये थी नवरात्र के प्रथम दिन के जुड़ी हुई जानकारियाँ। हम आशा करते हैं ये जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी होंगी। नमो नारायण।